तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू क्रेट ओपनिंग लेयर जो आप इस आ चुके हैं। हमें एक और न्यू आरपी क्रेट ओपनिंग। इसके पहले वाली जो आरपीज आई थी उनके अंदर तो मैंने कुछ क्रेट ओपनिंग्स की नहीं थी, पर ये वाली जो आई थी मैंने सोचा कि इसके अंदर तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। और तो मेरे पास में पॉइंट्स तो करीबन 1,500 के करीबन हो गए थे, पर मैंने वो क्या हुआ ना कि मैंने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की तो ऑन हो ही नहीं पाई। और तो एक मेरी चीज़ जिसमें कि मैंने स्पिन किया था अपना जो न्यू रोबोट डॉग वाला स्पिन आया था कैरेक्टर लोगो, जिसके बाद में उसका मैंने किया तो उसमें मुझे मिल तो गया डॉग, पर क्या होना कि उसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई, जिसकी वजह से कि मेरी सारी सारी यूसीबी यूं ही चली गई और तो कुछ रिकॉर्डिंग भी मुझे मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि बस यही करते, अब इसको ही खोलता हूँ मैं। अब पता नहीं क्या मिलेगा मुझे, कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो बस ट्राई कर लेते हैं हम, क्योंकि अब चांसेस तो बहुत कम होते हैं इसमें। क्योंकि मैंने जब अभी 500 के करीबन क्रेट्स खोले तो उनके अंदर मुझे कुछ इतना अच्छा मिला नहीं। अब हम ट्राई करते हैं इसको भी, कुछ मिलता है या नहीं। ओके, तो हमें शुरुआत मतलब आते ही सेकंड पे हमारा एडवांसमेंट रुका है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब मुझे क्या था ना कि मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि 5 बार 6 बार मतलब अच्छे से मुझे ध्यान नहीं गया और मैंने इसको वापस से कलेक्ट कर दिया, जिसके जो 50-80 मिले मुझे, नहीं तो मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए, चांसेस ज़्यादा थे। वापस से मुझे 2 पे आया, वापस से मुझे 20 मिल गए। और तो और न्यू आरपी भी आ चुकी है, तो बस आरपी का गिव अवे मैं बताता हूँ। अगर जो आप सभी लोगों को आरपी में गिव अवे पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस करना है तो जाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो अपना नाम और कैरेक्टर आईडी लिख दो कि कौन सी आपकी कैरेक्टर आईडी है, जिसके बाद में बस मैं तुम्हें रॉयल पास सेंड कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना मेरी थोड़ी बहुत वीडियो को, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आए इस पे, और इससे 4 से 5वीं वीडियो पे हम इसका रिजल्ट भी निकाल लेंगे अगर जो कोई आया। तो इसमें तो मुझे कुछ मिला नहीं था ज़्यादा, पर क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि अब इसमें क्रेडिट्स में डायरेक्ट आकर के मैं खोलता हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं सारे एक साथ में खोलता तो मुझे कुछ इतना मिलने का चांसेस रहता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक करके खोलता हूँ। जिसमें मुझे एक खोला तो मुझे सिल्वर मिले। अब मैंने ट्राई किया, मैंने देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। वैसे तो चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी थी इसके अंदर, तो मैंने सोचा कि चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी इसके अंदर से भी मिलने के चांसेस हैं, तो बस मैंने सोचा कि बस मुझे यही वाला ओपन करना है, क्योंकि इसके अलावा में बस हम नॉर्मली ऐसे ही परचेस कर सकते थे। हमें वापस से सिल्वर मिले, 50 मिले थे। हमें सिल्वर नहीं चाहिए क्योंकि सिल्वर तो मेरे पास में बहुत सारे पड़े हुए हैं। वापस से अभी ये कुछ टेंटो वगैरह मिल गया जो कि हम ऐसे लॉबी पे चिपका सकते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पर मुझे कुछ सीज़न 6 वगैरह बता रहा है ये, जिस तो कि मेरे पास में ये वाला पैराशूट था नहीं, जो कि मुझे अच्छा भी लगा देखने में। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, मतलब ये लोडिंग लेता है ना तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि लोडिंग में ऐसा होता है ना कि जब कैरेक्टर रुकता है तो वहाँ पर हमें कुछ मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था, मुझे मिला तो सिर्फ एक पैराशूट मिला था, जो कि अब मेरे पास में और भी कॉइन्स थे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करता हूँ इनको भी मैं परचेस पे लगा ही देता हूँ, क्योंकि अब और क्या कर सकता हूँ मैं इन कॉइन्स का। तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी मिलता है बस मिल जाने दो, हम कर लेते हैं इनको भी परचेस। तो हमारे पास में 1/6 का था तो हमने उसे चलाया, जिसके बाद में हमें वापस एक कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं, जितने भी आ जाते हैं जितने भी पॉसिबल है मैं सारे के सारे परचेस कर लेता हूँ इससे। और तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये वाला जो अपडेट आया है ये आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, जो कि इसके पहले वाला था ना बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये वाला अपडेट है ना जो कि कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ बबल्स टाइप बस उड़ जाते हैं ऐसे ही। अब मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा इस अपडेट में कि क्या है क्या नहीं है। अब मैंने सारे के सारे आरपी से पॉइंट्स से परचेस कर लिया था, तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी मिलता है बस परचेस डालो और निकालो। अब वापस से हमने स्पिन किया, हमें इसमें तो फर्स्ट टाइम में रुका था, पर मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम में ऐसा किया था ना तो तब क्या किया था ना कि मैंने एक ही बार में मतलब कि एक बार 25 का आता है 33 और ऐसे करीबन करीबन आते रहते हैं, तो मैंने वहाँ पर ये वाला तो हमारा एडवांसमेंट फेल हो गया, जिससे कि बस एक ही मिला हमें
नहीं तो जो मिलने के चांसेस रहते 14 मिलते यहाँ पर मुझे, वो यहाँ पर मुझे एक ही बार में 20 मिल गए, क्योंकि 6 उसके और 14 इसके बराबर हो गए प्लस 20। वापस हमें 6 मिल गए। अब ये क्या है ना कि अगर जो वहाँ पर जो परचेस करने के रहते हैं, हम वहाँ पर बाइक भी परचेस कर सकते हैं, जैसे कि क्या है ना कि हम बाइक परचेस कर लेते हैं वहाँ से, और एक कुछ शूट भी आ रखा है। देखो आप, यहाँ पर M24 भी है, इसकी टोपी भी, केप भी है इसकी, और एक और कुछ भी है यहाँ पर, तो हम इसे परचेस कर सकते हैं, पर हमारे पास में इतने कुछ एयर ड्रॉप्स है नहीं। पर यहाँ पर हमारा लक अच्छा रहा और हमें कुछ सीज़न 11 की कुछ ड्रेस मिल गई हमें, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर ये वाली ड्रेस मैं यूज़ भी करूँगा, मुझे अच्छी लगी। वैसे नॉर्मल जो आजकल की जो ड्रेसेस मिल रही है ना, मतलब बेकार सी, मतलब क्या ड्रेस, मतलब जो पहले के टाइम में जो ड्रेस आती थी पबजी मोबाइल में, ऐसी ड्रेस इस BGMI में आ ही नहीं रही। मतलब सीज़न के अगर जो एंड में अगर जो हम देखते तो 100 RP पे हमें जो ड्रेस मिलती, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि यार कब वो ड्रेस हमें मिलेगी। और अब तो क्या है कि हाँ मिल गई, क्योंकि ऐसी ड्रेस है ही नहीं ना कि जिससे कि हम अट्रैक्ट हों उसकी तरफ में। अब मुझे ये वाली ड्रेस मिली, मुझे अच्छी लगी। वैसे तो आप लोगों को बताना कैसी लगी, मेरे पास में उसे ड्रेस थी भी नहीं। और आप ये डॉग देख सकते हो हमारे पास में, कैरेक्टर के पास में। अब मेरे पास में 11 ये भी पड़े हुए थे प्रीमियम क्रेट, तो मैंने सोचा कि 10 ये भी खोल ही देता हूँ, क्या करता हूँ इनका भी। अब इसमें से कुछ मिल जाए अच्छा तो। अभी देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि मतलब इतनी ज़्यादा बेकार बेकार सी ड्रेस है। मतलब ये वाला जो बैग पे मिला, बैग तो मुझे अच्छा लगा, पर ये जो ड्रेस यहाँ पर अभी मुझे मिली है, मैं इसको पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसी है। मतलब कतई बेकार, मतलब ये क्या है, ड्रेस है क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रेस है, कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा कि ड्रेसेस के ऊपर से। मुझे ये वाला पैरासूट बहुत अच्छा लगा, चील वाला। अब आगे से हम चील वाला ये यूज़ करेंगे, इसके पहले तो मैं एक गर्ल वाला यूज़ कर रहा था, पर अब से हम चील वाला यूज़ करेंगे। और हमारे पास में क्लासिक क्रेट कूपन भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अब ये तो ओपन हो ही नहीं रहे अभी, क्लासिक और तो सप्लाई भी पड़े हुए हैं मेरे पास में बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि अब अगली जो बार आएगी, अगले मतलब ओपन का टाइम आएगा, तब मैं इनका भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक तो मैं थोड़ा और कर लूँगा, थोड़ी यूसेज भी ऐड कर लूँगा मैं, जैसे कि हम ओपन करेंगे। देख सकते हो कि आप मेरे साथ में जो स्पिन में मुझे मिला था ये वाला कैरेक्टर, जिसकी कि हमें इमोट्स भी मिल रहे हैं। तो आई होप कुछ यही था आज का गेम प्ले वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ, वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।